तुम लोग साइड हो जाओ। ये कौन सा जंगली जानवर ने हमला किया है? ये तो कोई मामूली निशान नहीं है सर। मुझे नहीं लग रहा है कि इनके ऊपर कोई जंगली जानवर ने हमला किया है। अगर इन लोगों के ऊपर जंगली जानवर ने हमला किया होता तो इन लोगों को खा जाता। सर इनका बॉडी का कलर देखो, लगता है किसी ने खून चूसा है। हाँ लेकिन किसने इन लोगों के ऊपर हमला किया है? जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। मनोज यस सर, तुम जल्दी से जल्दी पता लगाओ इन लोगों के ऊपर किसने हमला किया है। जी सर। ये भटकती हुई आत्मा है जो इन लाशों के अंदर घुस गया है, ये तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ए बकवास मत कर, निकल ऐसे। अब बस कुछ दिन का इंतजार है, मेरा बरसों से देखा हुआ सपना इंडिया को मेरा मुट्ठी में लाएंगे। बस एक बार ये वायरस इंडियन आर्मी के बीच अच्छे से फैल जाए। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज TV24 से इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें, इंडिया पर हुआ एक नया वायरस का आक्रमण। रिसर्च से पता लगा कि ये वायरस खून के माध्यम से दूसरों में फैलता है। अभी तक 200 इंडियन आर्मी के जवान इस वायरस के माध्यम से संक्रमित हुए हैं और ये वायरस धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। ढेर सारे रिसर्च के बाद डॉक्टरों ने अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। अगर वक्त से पहले डॉक्टरों ने इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं बना पाया तो ये पूरे देश के लिए एक नया आतंक बन सकता है, बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। फाइनली मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब ये वायरस पूरा हिंदुस्तान का आर्मियों को खत्म कर देगा, फिर मुझे रुकने वाला कोई नहीं होगा। सर आपने आज का न्यूज देखा? नहीं, क्या हुआ? सर हिंदुस्तान के हर एक कैंप में कोई ना कोई इंडियन आर्मी इस वायरस से संक्रमण हुआ है और ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। सर अब मुझे लग रहा है कि ये कोई पाकिस्तान का चाल है। चाल पाकिस्तान का हो या कोई भी देश का, हमें किसी भी हालत में इस वायरस से देश को बचाना होगा। यस सर। सर के अंदर वायरस घुस गया, मुझे बचाओ। यस सर। सर को कैंप में ले चलो।
सारे हो क्या रहा है, अब तो सारे के अंदर भी वायरस ने अटैक किया है। ना जाने हमारे किस किस के अंदर में वायरस है, ऐसा करते करते हम लोग भी मर जाएंगे। नहीं राकेश, ऐसा नहीं होगा। इसका जन्म हुआ है, इसका मृत्यु निश्चित है। इस वायरस को मारने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय होगा। सर जल्दी कुछ करो, नहीं तो सर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं सर को कुछ ही नहीं होने दूंगा। हेलो डॉक्टर साहब, हमारे सर को भी वायरस ने अटैक किया है, अब जल्दी से कैंप पे आ जाइए। क्या हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, सर को क्या हुआ? देखिए, अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। अभी तक लाखों लोग इस वायरस से संक्रमण हुआ है और इनमें से ज्यादातर इंडियन आर्मी है, और ये वायरस लोगों के अंदर फैलता ही जा रहा है। अगर डॉक्टर ने 10 दिन के अंदर एंटीडोट नहीं ढूंढ पाया तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस वायरस का कोई तो इलाज होगा। राकेश, लाइट क्यों चला गया? देखो जरा। जी सर। डॉक्टर साहब, इसके इलाज मिल गया। मतलब? मतलब वो ही, ये वायरस आग से डरता है, ये देखिए। जब वायरस ने हमारे ऊपर पहली बार अटैक किया था तो आग से डर के भाग गया था। राकेश, नयन, जी सर, जो मैं कहता हूँ वो करो। जी सर। लगता है सब आ गए। चलो काम पे लग जाओ। वायरस के बारे में आया एक बहुत बड़ा अपडेट। पहला, ये वायरस तो इंसानों का बनाया गया वायरस है। दूसरा, हमारे इंडियन आर्मियों ने इस वायरस का इलाज ढूंढ निकाला है। पहले संक्रमित हुए व्यक्ति को आग की माध्यम से काबू में लाया जाता है, उसके बाद मेडिसिन देकर उस वायरस को नष्ट किया जाता है। हमारे इंडियन आर्मी अब पूरा प्रयास कर रहा है इस वायरस को कंट्रोल में लाने के लिए, काबू में लाने के लिए। ये कैसे हो गया? हर बार की तरह इंडियन आर्मी इस बार भी इसका एंटीडोट निकाल लिया।